पता है साहिल, बचपन से मुमताज अनारकली को देखकर बड़ी हुई थी। सोचती थी अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और फिर एक दिन मैं भी अपना घर छोड़ के यहाँ गई, मुंबई, माया नगरी मुंबई। बहुत सुना था इस शहर के बारे में, पर जब से आई हूँ स्ट्रगल ही देख रही हूँ। पता चला मेरे जैसी और 100 लड़के यहाँ पहले से ही है। कल ही की बात देख लो, पार्टी में मैं एक प्रोड्यूसर से मिली, कहता है बिग बजट मूवी बना रहा हूँ, शाहरुख होगा, रणबीर होगा। और फिर पता उसने मुझसे क्या कहा, सोचो कितनी आसानी से उसने मुझसे कह दिया, मैं थक चुकी हूँ यार, जा रही हूँ तुमसे दूर, इंडस्ट्री से दूर, पापा के पास भी नहीं जा सकती, क्या कहूँगी उन्हें मैं, कोई चॉइस ही नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। यू नो आई जस्ट विश कि आज कोई आके मेरा हाथ पकड़े और मुझसे कहे ये रास्ता है यार, यू नो व्हाट आई मीन। हो गया, थैंक यू। वैसे एक बात आपको बता दूं, मैं आजकल इंडस्ट्री में लड़कियों को कम खतरा है और लड़कों को ज़्यादा खतरा है, खूबसूरत लड़कों को। करण जौहर जैसी कॉम बहुत बढ़ गई है इस इंडस्ट्री में। एनीवे, अगेन इट नीडेड अ लिटिल फिनिश बट नॉट बैड। नहीं, ये बॉलीवुड का टिकट मेरा है, सिर्फ मेरा। हंस लेना साले, नच लेना चाले, मस्ती के हुनर में स्टार्ट।